आज हम बात करेंगे एचडीपी सेकंड ईयर सब्जेक्ट अपना इंट्रोडक्टरी वेटरनरी मेडिसिन और टॉपिक चल रहा था वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में आज पढ़ेंगे हम रेबीज। तो सबसे पहले देखते हैं रेबीज क्या है और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया, लाइसा, जल चक्का, जल भित्ति, मड डॉग फीवर आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो अगर इसके बेसिक रेबीज होता है। तो रेबीज यह एक विषाणु जनित जानलेवा संक्रामक लाइलाज रोग होता है जो मनुष्य तथा समस्त पशुओं में देखा जाता है। ठीक है, तो रेबीज रोग को मनुष्य में हाइड्रोफोबिया नाम से जाना जाता है। मनुष्य में रेबीज को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया नाम से जाना जाता है। तथा इस रोग में रोगी पशु के व्यवहार में बदलाव हो जाता है। बदलाव क्या क्या होता है? रोग के जो रोगी पशु होता है उसके व्यवहार में बदलाव, मतलब रोगी पशु में क्या हो जाती है? उत्तेजना शक्ति बढ़ जाती है, अत्यधिक मात्रा में उत्तेजित हो जाता है। पागलपन जैसे लक्षण प्रकट करता है। पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है। पैरालिसिस मतलब पशु के कोई मनुष्य होता है उसका किसी ऑर्गन में या कोई भी अंग है पर्टिकुलर, उसमें क्या होता है? लकवे जैसी स्थिति आ जाती है, मतलब पैरालिसिस जैसे सिम्टम प्रकट करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट है। अब जो पहले रेबीज होता है, रेबीज का एंटीडोट सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था और कौन सी सन में बनाया था? तो सबसे पहले देखते हैं इंपोर्टेंट होता है लिख लेना चाहे। सर्वप्रथम लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1880 में सर्वप्रथम लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने जबकि नेग्री नामक वैज्ञानिक ने
कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा कब देखा? 1903 ईस्वी में देखा गया था। कौन सी ईस्वी में देखा गया? 1903 ईस्वी में देखा गया। अब होस्ट ऑफ मतलब फैलता कौन से एनिमल के द्वारा है? ये किस किस जानवर से पशु में फैलता है? तो नेक्स्ट ना जो है जूनेटिक रोग होता है जो मुख्य रूप से जूनेटिक मतलब पशु से मनुष्य तथा मनुष्य से पशु जूनेटिक डिजीज होती है जो मुख्य रूप से यह एक जूनेटिक डिजीज होती है जो मुख्य रूप से कुत्ता बिल्ली बंदा भेड़िया कुत्ता बिल्ली बंदर भेड़िया लोमड़ी कौन कौन से पशु याद रखना कुत्ता बिल्ली बंदर भेड़िया लोमड़ी द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर कैसे होता है? बाइट बाइट मतलब काटने के द्वारा होता है। तो जैसे कुत्ता किसी पशु को काटता है तो पशु में डिजीज फैल जाता है क्योंकि इसमें लाइसा वायरस प्रेजेंट होता है। इटियोलॉजी रोग का रेबीज का रोग का तो रेबीज होता किसका है? रेप्टो वायरस या लाइसा वायरस का। यह रोग मुख्य रूप से रेप्टो वायरस बैक्टीरिया में लाइसा वायरस रेप्टो वायरस बैक्टीरिया में लाइसा वायरस द्वारा होता है। ठीक है। अब जो लाइसा वायरस है रेप्टो वायरस होता है वो किसे कहते हैं? जो कुत्ता बिल्ली बंदर भेड़िया इन सबकी लार में प्रेजेंट होता है। किसमें उपस्थित होते हैं? लार में उपस्थित होता है जो एक्टिव वायरस होता है। कैसा होता है? एक्टिव वायरस होता है। लिखना नेक्स्ट चैनल वाला लिखना यह एक पैरेंटोरिक वायरस होता है जो पशु के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो रेप्टो वायरस कैसे होता है? नरेंटोरिक वायरस होता है जो पशु के तंत्रिका तंत्र अब तंत्रिका तंत्र का तो नर्वस सिस्टम और जब नर्वस सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है तो पशु का जो बॉडी मेंटेन होता है मतलब बॉडी का संतुलन होता है जो कैसे होता है गड़बड़ा जाता है। तंत्रिका तंत्र को यह नरेंटोरिक वायरस होता है जो पशु के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है प्रभावित करता है। यह एक नरेंटोरिक वायरस होता है जो पशु के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तथा यह वायरस तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर तथा यह वायरस तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पशु की लार में पहुंच जाता है। किसे पहुंच जाता है? पशु की लार में पहुंच जाता है और लार में पहुंच जाता है तो जब कोई मांसाहारी पशु स्वस्थ पशु को खाता है तो उससे लार के द्वारा किसमें ट्रांसफर हो जाता है? दूसरे पशु के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी देखते हैं सबसे पहले रेबीज ग्रस्त पशु रेबीज एनिमल। अब जो कुत्ता बिल्ली बंदर होता है इसको रेबीज
एनिमल बोल सकते हैं क्योंकि इनमें की लार में करता रेणु द्वारा प्रजनन होता है। तो रेणु यह पूछता है क्या होता है स्वस्थ पशु को काटने पर, पशु को काटने पर जो रेविड एनिमल होता है जो स्वस्थ पशु को काटता है, स्वस्थ पशु काटने के पश्चात जो लार होती है जो घाव की गहराई मतलब टिश्यू तक पहुंच जाती है, कहां पहुंच जाती है वाउंड गहराई के टिश्यू, टिश्यू मतलब ऊतकों तक पहुंच जाता है। अब पहले चिंटी से पहला स्टेप क्या होता है रेविड एनिमल होता है, ठीक है रेविड एनिमल स्वस्थ पशु काटता है, जब स्वस्थ पशु काटता है तो उसके घाव बनता है शरीर में, उस घाव की गहराई तक टिश्यू तक कौन सा वायरस पहुंच जाता है रेविड वायरस पहुंच जाता है, पहुंचता नहीं पहुंचता है। अब जब टिश्यू तक पहुंच जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये कहां पहुंचता है सीएनएस तक पहुंच जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन नर्व आदि को प्रभावित करता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पहुंचने के बाद क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड नर्व ब्रेन आदि को प्रभावित करता है, आदि को प्रभावित इफेक्टिव करता है, ठीक है दोस्तों। आगे समझ सबसे पहले रेविड वायरस होता है जो स्वस्थ पशु काटता है, स्वस्थ पशु काटने के बाद उसमें क्या बनता है घाव, जो घाव बनता है तो रेविड वायरस कहां पहुंच जाता है घाव की गहराई मतलब टिश्यू तक पहुंच जाता है, और टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहां जाता है सीएनएस तंत्रिका तंत्र में जाता है। अब ये वायरस तंत्रिका तंत्र में आने की प्रक्रिया क्या करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता मतलब मेरु रज्जु को, नर्व तंत्रिका को प्रभावित कर देता है, ब्रेन ब्रेन का मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है, इससे पशु पालन पन जैसे सिम्टम प्रकट करने लग जाता है, कौन से सिम्टम प्रकट करता है पागल पन जैसे सिम्टम प्रकट करने लग जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके सिम्टम, अगला लिखना रेबीज के सिम्टम, रेबीज के सिम्टम तो लिखना पशु को काटने के पश्चात लक्षण प्रकट होने में 2 सप्ताह से 3 महीने लग जाते हैं, अर्थात रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है एनिमल होता है 15 से 60 दिन, रेबीज का इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है एनिमल 50 to 60 days, मतलब पशु के काटने के 15 से 60 दिन के अंदर लक्षण प्रकट हो जाते हैं। दूसरा होता है ह्यूमन 20 से 60 दिन होता है, 20 to 60 days। अब पशु में तो रोग कारक मतलब पागल पशु के काटने के पश्चात तो 15 से 60 दिन में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जबकि मनुष्य में 20 से 60 दिन होता है, ये दिन होता है, ये टाइम होता है, इसी कौन सा होता है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब रोग कारक या पशु का प्रभावित होने के पश्चात लक्षण प्रकट करने का समय, ठीक है ये तो है इंक्यूबेशन पीरियड। अब लक्षणों के आधार पर रेबीज के लक्षणों 2 अवस्था में पाई जाती है, एक होती है प्रजनित अवस्था, दूसरी होती है मूक अवस्था। इसके सिम्टम कितनी अवस्था में होते हैं 2, प्रजनित अवस्था और दूसरी होती है मूक अवस्था। प्रचंड अवस्था में लक्षण प्रकट होते हैं जिसमें पशु क्या होता है पागलपन जैसे सिम्टम प्रकट करता है, लक्षण एकाएक तेजी से प्रकट हो जाते हैं। मूक अवस्था में पशु साइलेंट रूप में धीरे धीरे लक्षण प्रकट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रचंड अवस्था, कौन सी लेते हैं प्रचंड अवस्था,
कुरिफॉर्म प्रचंड अवस्था, कौन से बोलते हैं इसको? फ्यूरियस फॉर्म मतलब प्रचंड अवस्था। तो लिखना इस अवस्था में रोगी पशु की आवाज बदल जाती है, ये तो वॉइस चेंज हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, रोगी पशु की आवाज बदल जाती है तथा रोगी पशु बार बार चिल्लाता रंभाता रहता है। मतलब पहले ही रोगी पशु बार बार क्या करता है, चिल्लाता और रंभाता रंभाता रहता है। ठीक है, पहला सिंपल कर लिया ना, इस रोग में रोगी पशु की आवाज बदल जाती है और पशु बार बार चिल्लाता और रंभाता रहता है। दूसरे का इस रोग में रोगी पशु के मुख से अत्यधिक मात्रा में लाल लाल होती है, अत्यधिक मात्रा में मुख से लाल लाल होती है। दूसरे लिखना इस रोग में रोगी पशु के मुख से अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, लाल प्रवाहित होती रहती है। इसलिए मैं इस रोग में डॉग डॉग मतलब कुत्ता मक्खियों को फ्लाई बोलते हैं, मक्खियों को हवा में, हवा मतलब बाह्य वातावरण में पकड़ने की कोशिश करता रहता है। क्या करता है कुत्ता होता है, जो वायुमंडल या हवा में मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, जिसे फ्लाई बाइट कहते हैं। जिसे फ्लाई बाइट, फ्लाई मतलब मक्खी, बाइट मतलब काटना, फ्लाई बाइट मक्खियों को काटना कहते हैं, जिसे फ्लाई बाइट कहते हैं। ठीक है, अगला लिखना इस रोग में रोगी पशु एक खाद्य वस्तु जैसे लकड़ी कंकड़ पत्थर खाता रहता है, एक खाद्य वस्तु खाता है, एक खाद्य वस्तु ब्रैकेट में लकड़ी कंकड़ पत्थर आदि को खाता रहता है। मतलब जो एक खाद्य पाइका में खाता है पशु, एक खाद्य वस्तु ऐसे ही ब्रैकेट में एक खाद्य वस्तु खाता रहता है। ठीक है, बता दें अगला सप्ताह लिखना इस रोग में रोगी पशु की दृष्टि एवं दंत की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाता है। कंठ में ग्रसनी की मांसपेशियों में पैरालिसिस मतलब लकवा आ जाता है। क्या होता है, पशु को पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे पशु खाना पीना बंद कर देता है। मतलब चारा खाना में पानी पीना बंद कर देता है। ठीक है, अगला लिखना इस रोग में रोगी पशु कम आवाज के बीच भौंकने की तीखी आवाज, अर्थात इस रोग में रोगी पशु कम आवाज के साथ
करता है। इसका मेन सिम्टम होता है मनुष्य की आवाज के साथ ब्रह्मांड आकाश से कोष निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, अगली है मूक स्टेज। दूसरी कौन सी है? मूक अवस्था। प्रचंड अवस्था में पशु चिल्लाता रहता है, लक्षण जोर से प्रकट होता है। राइलेटिक अवस्था RYLAYTIC। मूक अवस्था, अब मूक अवस्था में देखिए पशु कौन कौन से लक्षण प्रकट करता है। इस रोग में रोगी पशु अंधेरे में शांत मतलब चुपचाप बैठा रहता है। पहला क्या था? अंधेरे में शांत बैठा रहता है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं करता है अंधेरे में। दूसरा देखना, इस रोग में रोगी पशु के निचले जबड़े की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाता है, मतलब मैंडिबल बोन में पैरालिसिस। मैंडिबल बोन में पैरालिसिस हो जाता है। अब जब पशु के मैंडिबल बोन में पैरालिसिस होता है तो पशु का निचला जबड़ा होता है जो लटक जाता है और जीभ बाहर आ जाती है, जिससे पशु का निचला जबड़ा लटक जाता है एवं पशु की जीभ बाहर आ जाती है। क्या होता है? निचला जबड़ा लटक जाता है, पशु की जीभ बाहर आ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में रोगी पशु कम आवाज निकालता है। क्या करता है? कम आवाज, मतलब पशु चिल्लाता नहीं है। प्रचंड अवस्था में पशु क्या करता है? जोर जोर से चिल्लाता रहता है। नेक्स्ट है, इस रोग में रोगी पशु खाना पीना छोड़ देता है एवं श्वसन क्रिया करने में परेशानी होती है। इस रोग में रोगी पशु की श्वसन नली और ग्रसनी में पैरालिसिस की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण पशु को श्वसन क्रिया करने में परेशानी होती है, अर्थात कुछ ही समय में पशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब कुछ ही दिनों में रोगी पशु की मृत्यु हो जाती है। आगे देखा डायग्नोसिस। लक्षणों की आधार पर किसकी आधार पर करते हैं? सिम्टोमेटिक। और पशु की मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम करने पर ब्रेन में नेगेटिव बॉडी प्रेजेंट होती है। अगला उपचार ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में लिखना इस रोग का कोई प्रभावी उपचार संभव नहीं होता, तो लिखना लक्षण प्रकट होने के पश्चात, लक्षण मतलब सिम्टम प्रकट होने के पश्चात इस रोग का कोई प्रभावी उपचार संभव नहीं होता है तथा बचाव ही एकमात्र उपचार होता है। तो बचाव में क्या होता है? वैक्सीन ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन 1 ml, इसका रूट होता है IM या सबकर 1 ml IM, डोज होती है इसकी 0, 3, 4, 14, 0, 3, 4, 14, 28, 60 और 90, 28, 60 और 90। 0 मतलब जो फर्स्ट डे अपन वैक्सीन लगाते पहली, तो फर्स्ट डे जैसे कि आज 11 तारीख है, 11 को लगाए तो 30 की कब लगेगी? 30 दिन, 11 12 13 में 30 लगेगा, फिर 7 दिन लगती है। 0 तीसरे दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 60 दिन और 90 दिन, ऐसे मत करना। अब 0 आ जाएगा इसके 3 दिन बाद लगानी है, फिर 3 दिन लगा दिए, 3 दिन और उसके 7 दिन बाद लगानी है, उसमें क्या
क्या होता है जो एआरई एक्सचेंज चेन होती है जो टूट जाती है और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है, इसलिए इसको कैसे लगाते हैं जीरो। 11 पे आए तो 11 से तीसरा दिन 13, 13 से 17 ऐसे बढ़ता जाता है, जीरो तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदह दिन, अट्ठाईस दिन, साठवें दिन और बूस्टर डोज लास्ट में 90 दिन लगता है। ठीक है, अगला लिखना है इसमें लक्षण प्रकट होने के पश्चात क्या होता है सिंबा। अब जैसे लक्षण प्रकट हो जाता है तो स्लोक को प्रभावित करता है, सिंबा होता नहीं है। लक्षण प्रकट होने के पश्चात रोगी पशु को सलोटर कर दिया जाता है। ठीक है, अल्मिया कंट्रोल, कंट्रोल बिना रोगी पशु को स्वस्थ पशु से दूर रखें। दूसरा, रोगी पशु द्वारा उपयोग में लिए गए चारा पानी बिछावन आहार आदि को जमीन में गाड़ दें या जला दें, स्वस्थ पशु को उपयोग में नहीं कराते। अगला है रेबी सस्पेक्टेड एनिमल को स्वस्थ पशु से दूर रखें तथा उसमें एआरई वैक्सीन से डोज स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार साथी, मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए।